वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। भदोही जिले के भाजपा के एक माननीय के काफिले में शामिल स्कॉर्पियो में सवार कारिंदों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की है। इस तरह की शिकायत बुधवार को गोपीगंज के नेशनल हाईवे लालानगर टोल प्लाजा पर तैनात कर्मियों ने लगाते हुए गोपीगंज थाने पर शिकायती पत्र सौंपा है और मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। लालानगर टोल प्लाजा पर तैनात लल्लन पांडे नामक कर्मी ने कहा कि भदोही जिले के भाजपा के एक माननीय का काफिला 3 गाड़ियों के साथ निकल रहा था। कहा कि काफिले में शामिल एक गाड़ी निकली, तभी दूसरी गाड़ी के निकलने के दौरान टोल का ऑटोमेटिक फाटक गिर गया। इसी बात से नाराज माननी के काफिले में मौजूद कारिंदों ने टोल कर्मियों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारपीट की। टोल कर्मियों ने पुलिस को पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के कटरा बाजार में घटी घटना के बाद चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल को आरोपी बनाए जाने के बाद भदोही के सभासदों द्वारा विरोध दर्ज कराने के बाद अब उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल भी मैदान में कूद पड़ा है। व्यापार मंडल संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और कहा कि भदोही शहर के कटरा बाजार में हुई तथा कथित घटना में चेयरमैन अशोक जायसवाल सहित अन्य बेकसूरों पर फर्जी मुकदमा लाद दिया गया है। पत्र सौंपते हुए कहा कि आज गुरुवार 22 सितंबर को व्यापारी संवैधानिक तरीके से सांकेतिक दुकान बंद कर विरोध दर्ज कराएंगे। व्यापारियों ने कहा कि अगर इस तथा कथित घटना में दर्ज मुकदमे को वापस नहीं लिया गया तो संगठन अगली रणनीति तय करने को बाध्य होगा। इस मौके पर राधेश्याम गुप्ता, विनीत बर्नवाल, मनु गांधी, कमलेश जायसवाल आदि मौजूद रहे। औराई विकास खंड के चक्र निरंजन की समूह सखियों ने डीएम कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए समूह पर पैसा न देने का आरोप लगाया है। पत्र सौंपते हुए पूजा, सुशीला, राजकली, राधा, बसंती, परमिला आदि का आरोप है कि सभी सखियों ने दाल व गेहूं की पैकिंग की थी, जिसकी मजदूरी एक समूह में आई हुई थी। पैसा मांगने पर समूह संचालिका के पति गाली गलौज के साथ मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही समूह पर दाल, चावल, तेल का वितरण न करने का भी समूह सखियों ने आरोप लगाया है। पत्र सौंपते हुए समूह सखियों ने कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर इलाके के देवनाथपुर जल निगम पानी टंकी के समीप रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई है। विद्युत विभाग की लापरवाही से पशुपालक के भैंस की मौत होने से इलाके वासियों में आक्रोश है। बताया जाता है कि बलभद्रपुर निवासी हवलदार मौर्या की भैंस चर रही थी। इसी दौरान देवनाथपुर जल निगम पानी टंकी के समीप जमीन पर रखे खुले ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। पशुपालक हवलदार मौर्या की सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। इलाके के जयशंकर तिवारी, मुंशी विश्वकर्मा, अमृतलाल गौतम, कृष्ण कुमार गौतम ने ट्रांसफार्मर को सुरक्षित स्थान पर रखे जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन भदोही में 25 सितंबर को तय हो गया है। डिप्टी सीएम के आने को लेकर जिला प्रशासन अधूरे कार्यों को पूरा करने में जुट गया है। 25 सितंबर को उप मुख्यमंत्री पुलिस लाइन ज्ञानपुर में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और यहां से कार द्वारा भाजपा जिला कार्यालय जुरई जाएंगे, जहां पार्टी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर डिप्टी सीएम सरपताहा स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचकर उद्यमियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत गजधरा में पहुंचकर विकास कार्यों की हकीकत परखेंगे और अमृत सरोवर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद पुनः पुलिस लाइन पहुंचकर हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस बीच डिप्टी सीएम भदोही जिले में चल रही कई योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। भदोही शहर के पिपरिस भारी गांव में कूड़ा डंपिंग स्थान को लेकर एक बार फिर बुधवार को इलाके वासियों का विरोध सड़क पर आ गया। इससे पहले भी इलाके वासियों ने विरोध दर्ज कराया था। बड़ी संख्या में महिलाएं बुधवार को कूड़ा फेंकने के विरोध में सड़क पर आ गई। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार नितिन सिंह व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भदोही जीलाल पुलिस बल के साथ पिपरिस भारी गाँव पहुंचे। नाराज ग्रामीणों से दोनों अधिकारियों ने बात की
रास्ते से कूड़े को हटाकर ईंट का टुकड़ा व राबिश डालकर रास्ते को दुरुस्त किया गया। इस दौरान अधिकारियों को महिलाओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी जीलाल ने बताया कि 2020 में नगर पालिका परिषद भदोही के नाम या भूमि कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के नाम से दर्ज है। ईओ ने बताया कि शीघ्र ही 1 बीघा की इस भूमि पर बाउंड्री वाल कराया जाएगा। बारिश के दौरान नाली का पानी रोक दिए जाने से बस्ती के मकानों में पानी घुस रहा है। मामला सूर्याव विकास खंड के कैड़ा ग्राम सभा के लिखईपुर बस्ती का है, जहां बस्ती के शिवशंकर, चंद्र देवी, वंश बहादुर, मंजू, चौथी राम, राजकुमारी सहित दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सूर्यावा थाने में तहरीर देते हुए कहा कि बारिश के दौरान बस्ती का पानी समीप के गड्ढे में जाता था, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों द्वारा नाली का पानी रोक दिया गया है, जिससे बरसात का पानी बस्ती में इकट्ठा हो रहा है और मकान में घुस रहा है। शिकायती पत्र देते हुए कैड़ा के लिखईपुर बस्ती के लोगों ने नाली का पानी रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक बार फिर सड़क पर घायल पड़े शख्स के लिए योगी की एम्बुलेंस जीवन दायिनी बन गई। एम्बुलेंस कर्मियों की सक्रियता व तत्परता से बाइक सवार अधेड़ की जान बच गई। मामला चौरी थाना इलाके के बरेला गेट के समीप का है, जहां चौरी के नरबतपुर निवासी बाइक चालक दीनानाथ तिवारी 55 वर्ष चौरी बाजार से घर की ओर लौट रहे थे। साइकिल सवार को बचाने में बाइक बरेला गेट के पास अनियंत्रित हो गई और दीनानाथ तिवारी घायल होकर सड़क पर पड़े थे। किसी राहगीर ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी, जहां मौके पर एम्बुलेंस के पायलट छन्नूलाल व ईएमटी रजनीश कुमार गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को एमबीएस भदोही लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। वहीदा नवधन विद्युत सब स्टेशन पानी हो गया है। बारिश के बाद ओवरफ्लो हुए नहर का पानी ज्ञानपुर द्वितीय विद्युत वितरण खंड के सब स्टेशन 3311 वहीदा नवधन में घुस गया है। सब स्टेशन में पानी घुसने के कारण इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। विद्युत सब स्टेशन के कई कमरों में पानी घुस गया है। रात में ही विद्युत सप्लाई ठप हो गई थी। दर्जनों गांव की बत्ती गुल होने से इलाके वासियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। सब स्टेशन में पानी भरने की वजह से बार बार विद्युत ट्रिप कर रही थी। बुधवार की सुबह कुछ देर के लिए सप्लाई चालू की गई, लेकिन आपूर्ति ठप हो गई। सब स्टेशन से पानी निकालने का प्रयास जारी है। रामलीला, नवरात्र, दुर्गा पूजा जैसे पर्वों को लेकर कोरोना थाने में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में इलाके के गणमान्य व संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। इलाके के ग्राम प्रधान, रामलीला दुर्गा पूजा समिति के लोग भी मौजूद रहे। बैठक में आए सभी लोगों ने अपना अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराते हुए पर्वों को सकुशल संपन्न कराए जाने की बात कही है। साथ ही थाना अध्यक्ष जयप्रकाश ने कहा कि कहीं कोई भी समस्या हो फौरन कोरोना पुलिस को सूचना दे। इस संबंध में थाना अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना इलाके में 16 जगह रामलीला का मंचन होगा तथा 27 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बैठक में विनोद तिवारी, अमन मिश्रा, उमा शंकर यादव, आनंद दुबे आदि लोग मौजूद रहे। नगर पंचायत खमरिया में मानक के विपरीत कराए गए निर्माण कार्य के भुगतान पर लगाई गई रोक के बावजूद भी प्रभाव में भुगतान करा लिए जाने का आरोप लगा है। बुधवार को लगभग आधा दर्जन सभासद डीएम कार्यालय पहुंचे थे और शिकायती पत्र सौंपते हुए कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मानक के विपरीत काम कराए गए थे। निर्माण काफी घटिया किस्म का है, आज भी निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। निर्माण कार्य मानक के विपरीत पाए जाने पर पूर्व अध्यक्ष ने भुगतान पर रोक लगा दी थी, लेकिन अध्यक्ष के निलंबित होने के बाद ठेकेदार ने अधिकारियों को प्रभाव में लेकर भुगतान कराने में सफल हो गया। पत्र सौंपते हुए सभासदों ने उक्त ठेकेदार द्वारा कराए गए कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। औराई तहसील इलाके के डोमनपुर में खेल मेला जैसे स्थान की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सीना ताने खड़ा है, जबकि सरकारी व सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर डोमनपुर निवासी एडवोकेट कुलदीप कुमार ने मंडलायुक्त
डीएम सहित एसडीएम औराई को शिकायती पत्र देते हुए सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की, लेकिन अतिक्रमण नहीं हट सका। थक हार कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का शिकायतकर्ता ने दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी आज तक डोमनपुर के इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा सका। एक बार फिर एडवोकेट कुलदीप कुमार ने एसडीएम औराई को शिकायती पत्र देते हुए भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। भदोही व औराई पुलिस ने दो वारंटियों को गिरफ्तार किया है। भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक विश्वनाथ ने भदोही कस्बा निवासी लखंदर को 2014 में दर्ज दो मामलों में गिरफ्तार किया है। आरोपी लखंदर काफी महीनों से पुलिस की पकड़ से दूर चल रहा था। बुधवार को भदोही पुलिस ने लखंदर को उसके घर से गिरफ्तार किया है। इसी तरह औराई के उप निरीक्षक जितेंद्र यादव ने घुसिया निवासी वारंटी मोहम्मद अली को धारा 128 से संबंधित आरोप में उसके घर से गिरफ्तार करते हुए चालान किया है। रुक रुक कर हो रही बारिश के दौरान एक महुआ का भारी भरकम पेड़ टीनसेट के कच्चे मकान पर गिरा है। हादसा आधी रात का है। जिस वक्त टीनसेट के मकान पर पेड़ गिरा, उस वक्त परिवार के सदस्य अंदर सोए हुए थे। संयोग अच्छा था कि पेड़ गिरते ही परिवार के सदस्य भाग खड़े हुए। मामला ज्ञानपुर विकास खंड के चितईपुर बैदा खास का है। बारिश के दौरान प्रदीप कुमार के टीनसेट वाले मकान पर महुआ का भारी भरकम पेड़ गिर गया। मकान में रखा अनाज, चारपाई, बिस्तर, कपड़ा जैसे गृहस्थी के सामान नष्ट हो गए। इस संबंध में ग्राम प्रधान अमित जायसवाल ने बताया कि हादसे की जानकारी हल्का लेखपाल बिंदु को दे दी गई है। भदोही तहसील के शहर कोतवाली अंतर्गत उमरी गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के कुछ लोग जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पत्र सौंपते हुए मुरारी कपूर, उर्मिला, सुनीता, रिंकी आदि ने कहा कि काफी समय से उक्त भूमि पर काबिज दाखिल हैं, लेकिन गांव के ही कुछ लोग जबरन उनका मड़हा छप्पर गिराकर भूमि की जुताई करते हुए दबंगई के बल पर कब्जा कर रहे हैं और बेघर करने की धमकी दे रहे हैं। पत्र सौंपते हुए उमरी गांव के ग्रामीणों ने जबरन हो रहे भूमि पर अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। औराई ब्लॉक के मवैया हरदोपट्टी गांव में विद्युत केबल पर तीन पेड़ गिर गए, जिससे एबीसी विद्युत केबल टूटकर नीचे गिर गई। इस हादसे में ठाकुर बस्ती की बत्ती गुल हो गई। इलाके के मोहित सिंह, रानू सिंह, पेटू सिंह, टिंकू सिंह आदि ने बताया कि बारिश के चलते गांव में मौजूद तीन पेड़ अचानक विद्युत केबल पर गिर गए, जिससे यह हादसा हुआ है। बस्ती के लोगों ने केबल टूटने की जानकारी विद्युत विभाग को दी है। विद्युत केबल टूटने से कई घरों की बत्ती गुल हो गई है। बुधवार को भदोही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ता डीएम कार्यालय पहुंचे थे और एक पत्र सौंपते हुए अधिवक्ता शिव प्रकाश सिंह के भूमधरी जमीन से अवैध चक्रोट को हटाए जाने की मांग की है। इसी मामले को लेकर भदोही तहसील के अधिवक्ता पिछले कई दिनों से न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए विरोध दर्ज करा रहे हैं। बुधवार को भदोही तहसील के अधिवक्ता नवागत जिलाधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन अधिवक्ताओं की मुलाकात डीएम से नहीं हो पाई। अधिवक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक को पत्र सौंपते हुए कहा कि भदोही तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस मौके पर महामंत्री इंद्रदेव मौर्य सहित एडवोकेट नंदलाल राय, किशन मिश्रा, रविशंकर मिश्रा, अमित पांडे आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। नगर पंचायत सूर्यामा के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते बाजार छुट्टा पशुओं का जमावड़ा बन गया है। पशुओं को रोक पाने में नगर पंचायत सूर्यामा पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। छुट्टा पशुओं से आए दिन जहां राहगीर घायल हो रहे हैं, वहीं यातायात भी बाधित हो रहा है। पशु भी वाहनों की चपेट में आकर घायल हो रहे हैं। सड़क से लेकर गली मोहल्लों तक में छुट्टा पशुओं की बाढ़ आ गई है। छोटे मासूम बच्चों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। नगर के करिया गौतम, सुरेश सरोज, नीरज सोनकर, बबलू उपाध्याय ने बताया कि अक्सर ऐसे छुट्टा पशु लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। वहीं रात में दुकानों पर पहुंचकर जानवर गंदगी कर रहे हैं। नगर वासियों ने छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने की नगर पंचायत सूर्यामा से मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा चौरी के शरबत खानी में सफाई अभियान चलाया है।
सरबतखानी गांव में पहुंचकर भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, मंडल अध्यक्ष अश्वनी श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष सुशील मिश्रा व मंडल मंत्री सती शंकर जायसवाल ने खुद हाथ में झाड़ू थामकर सफाई अभियान चलाया। इसी तरह नई बाजार में नगर अध्यक्ष दिलीप गुप्ता के नेतृत्व में जाहिदपुर, विजय दशमी मैदान, शिव तालाब जैसे स्थानों पर पहुंचकर साफ सफाई की है। इस मौके पर नगर महामंत्री राजीव मदनवाल, संदीप प्रदीप दुबे, दीना सोनकर, विशाल गोंड आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर निवासी भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के जन्मदिन पर उत्साहित समर्थकों ने भदोही जिले के दो दर्जन स्थानों पर अपने नेता का जन्मदिन मनाया है। कहीं मिठाइयां बटी तो कहीं एक दूसरे को केक खिलाकर समर्थकों ने लंबी आयु की कामना की। भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के जन्मदिन पर भदोही शहर के पायल टाकीज पर आदिल सिद्दीकी, सरोही में राकेश दुबे, जमजम पांडे, ज्ञानपुर में अनूप दुबे, मनोज श्रीवास्तव व औराई में अंकित दुबे ने अपने साथियों के संग भाजपा नेता का जन्मदिन मनाया है। भदोही जिले के दो दर्जन स्थानों पर केक व मिठाइयों का वितरण कर जन्मदिन का उत्सव मनाया गया है। भदोही जिले में नवरात्र, दुर्गा पूजा, विजयदशमी व रामलीला पर्व सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार थाना कोतवालियों में शांति समिति की बैठक कर दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को गोपीगंज थाने पर SDM योगेंद्र कुमार व CO भुवनेश्वर पांडे की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में SDM ने समिति के लोगों से वाटर प्रूफ पंडाल का निर्माण कराने की बात कही है। CO ने कहा कि बरसात का मौसम है, वायरिंग करते समय बेहद सावधानी बरतें। इस मौके पर शिवशंकर गुप्ता, अखिलेंद्र सिंह बघेल, गुड्डू चौधरी, नरेंद्र दुबे आदि मौजूद रहे। इसी तरह सूर्यामा कोतवाली में SDM चंद्रशेखर व CO अजय कुमार चौहान ने नगर के संभ्रांत व पूजा समिति के लोगों के साथ बैठक करते हुए कहा कि नए स्थान पर प्रतिमा बिल्कुल न बैठाएं, नई परंपरा लागू करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आप अपने इलाके की समस्याओं को भी हमें बता सकते हैं। सड़क, नाली, खड़ंजा, बदहाल गाँव का विकास, कोटे की दुकान पर की जा रही कोटेदार की मनमानी, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अगर है कोई खबर तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।